वस्तुएं जल में डूब सकती हैं अथवा तैर सकती हैं। आइए हम इसके बारे में पता लगाएं। अब हम इसका पता लगाने के लिए अपने आसपास की कुछ वस्तुएं लेंगे, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक की वस्तु, रबर, पेन के ढक्कन, चाबी, खाली पेन और पेंसिल, पत्थर, लोहे का कड़ा। इस प्रक्रिया को करने के लिए हम पानी से भरा एक पात्र, खाली पेन, पत्थर, चाबी, पेन के ढक्कन, लोहे, अब हम देख सकते हैं कि पानी में कौन कौन सी वस्तु तैर रही है अथवा पानी में डूब चुकी है। अब हम पानी में तैरने वाली वस्तुओं को निकाल लेंगे। प्लास्टिक, पेन, खाली पेन, पेन, पेन के ढक्कन, लकड़ी, पेंसिल, अब हम पानी में डूबी हुई वस्तुओं को अलग निकालेंगे। अब हम पानी में डूबी हुई वस्तुओं को अलग निकालेंगे। खाली पेन, पत्थर, रबर, चाबी, लकड़ी, पेंसिल, खाली पेन, पन्नी, प्लास्टिक की तैरने वाली वस्तुएं, लकड़ी, पेंसिल, खाली पेन, पन्नी, प्लास्टिक की वस्तुएं, डूब जाने वाली वस्तु, सिक्का, रबर, चाबी, पत्थर, लोहे की रिंग। अब आप समझ गए होंगे कि पानी में कौन सी वस्तु तैरती है और कौन सी डूब जाती है।